हेलो दोस्तों, कोरोना एक ऐसे विश्वव्यापी महामारी है जो पूरे विश्व के लोगों को प्रभावित किया। सबसे पहले ये वायरस चाइना के वुहान शहर में 31 दिसंबर 2019 को पाया गया था। एट दैट टाइम पूरे विश्व के लोगों में इस वायरस को लेके इतना सीरियसनेस नहीं था, हम लोग आम दिनों की तरह चल रहे थे। धीरे धीरे ये वायरस पूरे विश्व में फैल गया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के डेट में इस वायरस से कितना संक्रमित हुआ और इस वायरस का वैक्सीन कब तक आ जाएगा। दोस्तों, आज अगर देखें तो पूरे विश्व में इस वायरस से संक्रमित की संख्या 1.5 करोड़ के ऊपर एंड डेथ की संख्या 6,19,000 के ऊपर पहुंच गया। इस दौर में यूएसए सबसे पहले है। यूएसए में इस वायरस से संक्रमित की संख्या 40 लाख के ऊपर एंड डेथ की संख्या करीब 1.5 लाख के ऊपर पहुंच गया। सेकेंड नंबर पे आता है ब्राज़ील। ब्राज़ील में कोरोना वायरस से संक्रमित की संख्या 21 लाख के ऊपर पहुंच गया एंड डेथ की संख्या करीब 81,000। थर्ड नंबर पे आता है हमारा भारत। इंडिया में कोरोना वायरस से संक्रमित की संख्या करीब 12 लाख पहुंच गया एंड डेथ की संख्या 28,000 के करीब पहुंच गया। दोस्तों, इस वायरस को फैलते हुए करीब 7 महीने हो गया, लेकिन आज तक हमारे पास कोई ठोस वैक्सीन उपलब्ध नहीं हुआ। दोस्तों, डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस वायरस का ह्यूमन ट्रायल अलग अलग देशों में चल रहा है। हो सकता है कि इस साल के अंत में ही वायरस का वैक्सीन हम लोगों के पास उपलब्ध हो जाए। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग आपस में डिस्टेंस मेंटेन करते रहिए और बाहर कम निकला करें, और अगर ज़रूरत पड़े तो मास्क लगाकर बाहर जाए। आज के लिए इतना है दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू दोस्तों।